तो यार Realme 6 और Realme 6 Pro 5 मार्च को लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। और ये दोनों फोन Flipkart में और Realme स्टोर में आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों फोन का जो हैशटैग रखा है प्रो डिस्प्ले और प्रो कैमरा, यानी कैमरा और डिस्प्ले जो है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है, क्या हमें इस फोन में गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मिलेगा या फिर नहीं? और ये दोनों फोन में हमें कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, रैम और स्टोरेज कैसा रहेगा? कुल मिला के इस मोबाइल में हम लोग पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर फ्री फायर बहुत ही अच्छे से खेल पाएंगे या फिर नहीं, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में भी जानेंगे और इस फोन का बैक पैनल का लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा इस पहली बार इस वीडियो में। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार जब मोबाइल गेम की बात आता है तो सबसे पहले नाम आता है पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर। ये तीन गेम को हम लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं और ये तीनों में से किसी भी एक गेम खेलने के लिए हमें बेहतर से बेहतर प्रोसेसर चाहिए होता है, बड़ा रैम चाहिए होता है, बड़ा बैटरी चाहिए होता है, क्योंकि बैटरी बहुत जल्द खत्म होता है जब हम लोग गेम खेलते हैं। तो अब Realme 6 देखते हैं, तो Realme 6 में जो प्रोसेसर हमें दिया जाता है वो रहता है MediaTek की तरफ से। MediaTek का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है ये MediaTek का Helio G90 प्रोसेसर। और Realme 6 Pro में जो प्रोसेसर दिया जाएगा वो रहेगा Snapdragon की तरफ से, Snapdragon 720G। तो दोनों मोबाइल में अलग अलग कंपनी का जो प्रोसेसर दिया जाएगा, एक रहेगा MediaTek की तरफ से और दूसरा Snapdragon की तरफ से। आपका दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्या हमें ये मोबाइल में Realme 5 या फिर 5 Pro से ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं? तो जी हाँ, जरूर मिलेगा, क्योंकि MediaTek का जो G90 प्रोसेसर है वो बहुत ही तगड़ा है। Realme 6 में आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर Realme 6 Pro की बात करें तो जो Snapdragon का 720G प्रोसेसर दिया जाएगा, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है और गेम खेलने के लिए जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट रहता है वो भी बहुत तगड़ा दिया गया है। दोनों ही फोन में 90Hz का स्पीड रेट रिफ्रेश रेट रहेगा, बहुत ही अच्छा है। मतलब आप टच करेंगे मोबाइल का गेम खेलने के टाइम तो बहुत ही फास्ट जो है काम करेगा। तो डिस्प्ले जो है बहुत ही स्मूथ होने वाला है और साथ में मोबाइल में 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज और 6GB और 128GB दो वेरिएंट मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी आप एक को परचेस कर सकते हैं। और मोबाइल में जो बैटरी दिया जाएगा वो 5000mAh से बड़ा बैटरी रहेगा। 5000mAh से बड़ा बैटरी के साथ 30W का भूख फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो बैटरी बहुत जल्द खत्म भी हो जाता है तो आप बहुत फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। तो गेमिंग एक्सपीरियंस जो है बहुत ही तगड़ा होने वाला है इस फोन का। दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है और दोनों ही फोन में जो है कैमरा दिया जाएगा वो क्वेड कैमरा का सेटअप रहेगा और प्राइमरी लेंस जो रहेगा वो रहेगा 64MP का और बाकी का 3 लेंस अलग से दिया जाएगा। और गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर करने के लिए इस मोबाइल में आपको जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा वो सबसे लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट दिया जाएगा और साथ में रियलमी UI दिया जाएगा इस फोन में। और रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो में जो डिस्प्ले दिया जाएगा वो पंच होल वाला डिस्प्ले रहेगा, लेकिन रियलमी 6 में आपको सिंगल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा और रियलमी 6 प्रो में आपको ड्यूल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा। और रियलमी 6 और 6 प्रो में आपको प्रो डिस्प्ले, प्रो कैमरा के साथ प्रो गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो कुल मिला के आपको अगर गेमिंग के लिए फोन खरीदना है तो ये दोनों में से किसी भी एक मोबाइल को आप परचेस कर सकते हैं। प्राइस रेंज के हिसाब से गेमिंग परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो यार ये था मेरा ओपिनियन, बाकी आप क्या सोचते हैं इस दोनों मोबाइल के लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक करिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।